रीडिंग की ऐसी ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, ग्रामर रूल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे आपके रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स ना ऐसे सॉल्व होंगे अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देख ली। लेकिन शर्त एक है, अगर वीडियो अच्छी लगी ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो गाइज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल निखिल पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड टूडेज टॉपिक इज पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स। दो तरह के फिल द ब्लैंक्स होते हैं, दोनों को आज आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दो पार्ट्स में वीडियो बनेगी। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे पीटी रीडिंग फिल द ब्लैंक्स, जिसको हम ड्रैग एंड ड्रॉ फिल द ब्लैंक्स कहते हैं। और दूसरे तरह के जो फिल द ब्लैंक्स होते हैं वो होते हैं ड्रॉप डाउन, जिसको हम रीडिंग और राइटिंग फिल द ब्लैंक्स कहते हैं, जिसके अंदर राइटिंग के भी स्कोर्स होते हैं। ग्रामर रूल्स तो गाइस सेम ही होते हैं। चलिए ना टाइम वेस्ट करते हुए ग्रामर रूल्स के ऊपर चलते हैं। पूरी वीडियो देख लेना, स्नैपशॉट ले लेना ताकि आपको रूल्स याद रहे। बार बार वीडियो को देखते जाना ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। पहला रूल, जब भी टू आता है तब उसके पीछे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, जैसे टू रन, टू राइट, टू कुक। मैं छोटा कम वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि बाद में आप पढ़ सको, ठीक है। फोर और वाइल के पीछे हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आता है, जैसे कि फोर रनिंग, फोर स्टडिंग, वाइल ट्रैवलिंग, वाइल एक्सरसाइजिंग। एग्जाम्पल भी आपकी आंखों के सामने दी रखी है। इट विच डैट वर्ब विद एस या ई एस, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर समझते हैं। इट के पीछे हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस ई एस वाला आएगा, इट हर्ट्स, इट हर्ट्स, इट रेन्स। विच के पीछे भी एस ई एस वाला आएगा, विच के पीछे ई एस आता है और इट के पीछे एस वाला आता है। सारी एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने है। डैड के पीछे ई एस वाला भी आ सकता है, एस भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ब है। इज एम आर के पीछे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने है। ही इज रनिंग इन द पार्क, द केक इज बेक्ड बाय द बेकर। ही इज रनिंग इन द पार्क मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा हूँ, अगर मैं टेंसेस की बात करूँ। थर्ड फॉर्म, द केक इज बेक्ड बाय द बेकर, जब किसी के द्वारा कोई चीज़ बनाई जाती है तब हम इज बेक्ड बाय द बेकर यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ए एंड द, ठीक है, ये हमारे क्या हैं, ये सिंगुलर के लिए यूज किए जाते हैं। ए कहाँ पर आता है, ए स्टूडेंट इज आस्किंग ए क्वेश्चन। एन, ए आई ई ओ यू जो हैं वर्ड्स शुरू होते हैं या जिनकी साउंड जो है इससे शुरू होती है, उसके आगे एन आता है, जैसे एन एलिफेंट, दी मूवी, राइट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, और भी एग्जांपल दिए हैं, हैज, हैव, हैड के पीछे हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, शी हैड रिटन ए लेटर, शी हैव डिसाइडेड, शी हैज ट्रेवल्ड, ठीक है। वाज, वर के बाद थर्ड फॉर्म आएगी या आई एन जी आएगी, थर्ड फॉर्म जैसे दे वर फॉर्म्ड, और आई एन जी ही वॉज वर्किंग। मैं इन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। बी बीन बींग के पीछे थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ आई एन जी आएगी, दे आर इन्वाइटेड टू द पार्टी, ठीक है। वी आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द चेंज, बीन, वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड, दे हैव बीन इन्वाइटेड, द कार इज बींग रिपेयर्ड, ही इज बींग हेल्प्ड, ठीक है। बी बीन बींग के पीछे आई एन जी वाला देख लेते हैं। शी हैज बीन रीडिंग बुक्स ऑल डे, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, शैल, विल, यूज टू, नीड टू, डेयर नॉट, वुड, और टू, फर्स्ट फॉर्म, यू शुड ईट, द वेदर माइट इंप्रूव, ही विल अराइव। कई स्टूडेंट ना बोर हो जाएंगे, पर अगर आपने अच्छा स्कोर हासिल करना है, 7 ईच 8 ईच या कोई भी टारगेट हो, आपको ये सीखना पड़ेगा, मुश्किल होगा नहीं तो। तो आगे चलते हैं। ही, इफ बाय कम्स आफ्टर द ब्लैंक, ब्लैंक के पीछे अगर बाय आ जाता है तो क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दी, द केक इज बेक्ड बाय द बेकर, इज बेक्ड बाय, बेक के, बेक
इज फॉलोड बाय बाय, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे जाते चीजें ना आपके बहुत काम आएंगे, एग्जाम्पल्स आपकी आंखों के सामने है भाई, ठीक है ना। अब बाय आगे आ जाए ब्लैंक के और क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे बाय कुकिंग, बाय सिंगिंग। इफ देयर इज अ ब्लैंक बिफोर एंड आफ्टर एंड, अगर एंड के आगे ब्लैंक आता है या एंड के पीछे ब्लैंक आता है, अगर आगे सिंगुलर है पीछे भी सिंगुलर आएगा, आगे प्लूरल है पीछे भी प्लूरल आएगा, आगे एडजेक्टिव है पीछे भी एडजेक्टिव आएगा, जैसे बुक्स है, बुक्स एंड वॉचिंग टीवी, द सन एंड द मून, राइट। ये प्लूरल एंड प्लूरल की बात करते हैं, द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स, द बॉयज एंड द गर्ल्स, ठीक है। डू डज डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, he does not, he, they do not, did he finish, he, she, it के पीछे first form plus s या es आएगा, जैसे कि he plays, John likes, the car goes। ये चीजें ना आपकी राइटिंग में भी काम आएंगी guys, क्योंकि राइटिंग में बच्चे s es verb का ध्यान नहीं रखते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। I, we, you, they के पीछे क्या आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट्स है ये, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी आएगी, सिंपल है, जैसे वी वॉच, दे रन, एवरीथिंग, ठीक है ना। मैनी के पीछे क्या आएगा, मच और मैनी, पहले समझते हैं। मच जिसका आपकी पता नहीं है, हाउ मच मनी जिसमें आपको पता नहीं है, हाउ मैनी डॉलर्स जिसमें आपको लगता है कि इसके पास इतने डॉलर्स होंगे, तब हम इस्तेमाल करते हैं। शी हैज मैनी फ्रेंड्स, शी आर, दे आर मैनी पीपल, क्वान्टिटी के बारे में बात कर रहा है। मैनी अवेज फेस के बारे में बात कर रहा है, इज ए फ्रेज, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये आपको बता दिया, मैनी अ, ही हैज बीन टू मैनी अ सिटी इन हिज लाइफ, राइट। सिंगुलर नाउन की जब हम बात करें, अब ये सारे रूल्स को हम करते हैं सॉल्व विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अगर तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो कर लो भाई। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में कोचिंग भी देते हैं और वीडियोज भी आएगी। देखो, फर्स्ट रूल, आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन रीड करना है चुटकियों में और देखना है कौन सा सेंटेंस, कौन सा वर्ड आपको सबसे पहले मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है, क्या पता आपको ये सॉल्व करते दौरान, रीड करते दौरान ये वाला ब्लैंक मिल जाए। एक बार पढ़ो फिर एक्सप्लेन करता हूं। You may think that the World Cup, like the Olympic Games, only occurs once where every 4 years. It is the dash rounds that take dash every 4 years. But the competition as a whole is an ongoing dash, chal raha hai jo, since the qualifying rounds take place over the preceding 3 years. The final phase of the tournament now involves 32 teams competing over a 4-week dash. In a previously nominated dash nation, it has become the most widely viewed sporting event in the world. देखो यहाँ पर एक ट्रिक देखो, कुछ वर्ड्स आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाएंगे। ये देखिए, टेक प्लेस, टेक के पीछे क्या लगा हुआ है, प्लेस। तो बहुत हाईली चांसेस हैं अगर प्लेस ऑप्शन में है तो, प्लेस है ऑप्शन में, देखें ये रहा, तो यहाँ पर क्या है, टेक प्लेस, यहां पर टेक प्लेस आएगा। प्लेस को पुट करके देखो कि क्या उसमें बात बन रही है, बिल्कुल वो कह रहा है इट इज द डैश राउंड। कौन सा राउंड, इवेंट राउंड, फाइनल राउंड, लास्ट राउंड, फाइनल आएगा। लास्ट राउंड नहीं होता, लास्ट राउंड हम कहते हैं फाइनल राउंड्स, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेक करो। इट इज द फाइनल राउंड्स दैट टेक प्लेस एवरी 4 ईयर्स, बट द कॉम्पिटिशन एज होल इज एन ऑन गोइंग डैश, जो चल रहा है, क्या चल रहा है इसके अकॉर्डिंग, क्या चल सकता है, ऑन गोइंग इवेंट चल सकता है। द फाइनल फेज ऑफ द टूर्नामेंट इन्वॉल्व इन 4-week डैश, 4 week एक तरह का टाइम दे दिया, क्या आएगा, 4 week टाइम, 4 week पीरियड। अब दोनों में से देखो, टाइम और पीरियड में से डिफरेंस क्या है, दोनों आ सकते हैं। 4 week टाइम, मैंने कहा कि 4 हफ्ते का टाइम दे दिया भाई मैंने तेरे को, मेरा तू मोबाइल फोन वापस कर देना, हम ऐसे ही करते हैं ना अक्सर लाइफ में, पर हम अक्सर लाइफ में गलत ही बोलते हैं। जब किसी छोटे टाइम की बात की हो तब हम टाइम का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम टाइम कहते हैं, जैसे 1 day, ठीक है ना, 2 hours time, you have 2 hours time,
3 hours time, है ना? अगर बड़े की बात की हो, एक हफ्ता, दो हफ्ते, चार हफ्ते, एक साल, दस साल, उसको हम पीरियड कहते हैं, बड़ा 4 week पीरियड आएगा यहां पे। लास्ट का वजह डैश नेशन। अब देखो, टाइम नेशन ना, लास्ट नेशन ना, होम नेशन ना, मेरे को चाहे होस्ट का मतलब नहीं भी पता। कुछ वर्ड्स ना आपस में इंटरलिंक्ड भी होते हैं। अब इन वर्ड्स के रिलेटेड के ऊपर, बेसिस के ऊपर इसका आंसर आप चूज कर सकते हो। इसका आंसर क्या आएगा? होस्ट नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, आइडियाज एज वेल एज पीपल कैन टेक डैश स्टेज एट द राइट टाइम एंड द राइट प्लेस। कौन सी स्टेज, कहां पर? सेंटर स्टेज, यस हो सकता है। इफेक्ट स्टेज, एंड स्टेज, फेमिलियर स्टेज, फ्रंट स्टेज, हम अक्सर कहते हैं कि यह फ्रंट स्टेज, नोइंग स्टेज, लीड, स्टॉप स्टेज ना। आंसर इन दोनों में से एक है, सेंटर और फ्रंट। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ न्यू आइडियाज आर टू हैव ए वाइड रेंजिंग डैश, दे बेटर अकर एट द राइट टाइम, यूजली वेन ओल्ड थियोरीज आर वोन आउट और हैव रीच्ड ए डेड डैश, इन ऑलवेज इन द मे डैश टू अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शंस, कॉम्बिनेशन ऑफ डैश वंस प्रेजेंटेड इन अ न्यू लाइट। ओके, अब सेंटर स्टेज अच्छा लगता है कि फ्रंट स्टेज अच्छा? सेंटर स्टेज आपको आएगा आंसर, क्योंकि हम अगर अक्सर कोई स्टेज सेंटर में ही होती है ना। इसको रियल लाइफ के साथ कर लीजिए, ठीक है, आपस में रियल साइज के साथ कनेक्ट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। इफ न्यू आइडियाज आर टू हैव अ वाइड रेंजिंग डैश, वाइड रेंजिंग नोइंग, ING वाला तो आएंगे नहीं, वाइड रेंजिंग फ्रंट ना, वाइड रेंजिंग लीड, वाइड रेंजिंग स्टॉप, वाइड रेंजिंग एंड, वाइड रेंजिंग इफेक्ट, यस वाइड रेंजिंग इफेक्ट, डेड डैश, ये तो बहुत ईजी है, क्या आएगा? डेड एंड। अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शंस की बात हो रही है, अगर आपको मान लीजिए एक आपके पास क्या नाम है उसका टीचर है, या कोई आपको बता रहा है डायरेक्शंस, उसको हम क्या कहते हैं? वो एक लीडर होगा जो आपको डायरेक्शन बता रहा है, मैं आपको लीड कर रहा हूं, एक तरह का हमारा आंसर आ गया लीड। रियल लाइफ के साथ इसको जोड़ के देखिए, वी लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज लास्ट वन, फ्रंट, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट वंस ना, कॉम्बिनेशन ऑफ नोइंग वंस ना, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉप वंस ना। सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, मैं कहता हूं मेरे को फेमिलियर का मतलब पता ही नहीं, पर फिर भी ये जचते नहीं है, बाकी तीन ही जचते। कई बच्चों के पास ना हाई फाई वोकैबुलरी आ जाती है, भाई मैं आपको यही कहता हूँ, जो आपको नहीं आता है उसको लीव करो, जो आता है पहले वो तो पुट करके देखो, वो जब पुट करोगे क्या पता उनमें से ही आंसर मिल जाए, आप उसके बारे में सोचो ही मत कि मुझे नहीं आता। एक और क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट ऑफ अस बिलीव दैट वी आर मेकिंग डिसीजंस अबाउट मनी, वी आर बीइंग क्लियर हेडेड एंड सेंसिबल, एंड अज्यूम दैट एनी रैशनल पर्सन वुड डैश इन द सेम वे एंड द मेक डिसीजंस, बट आवर डैश आर बेस्ड ऑन द प्राइवेट लॉजिक ऑफ आवर डैश माइंड सेट, अवर डीप बिलीव अबाउट मनी, मनी की बात हो रही है। नो टू पीपल आर द सेम, सारे बंदे सेम नहीं हो सकते। इवन वेन टू पीपल कम टू द सेम डैश, यहां पर एक रिजल्ट की बात कर रहा है, रिजल्ट के रिलेटेड क्या आएगा? कंक्लूजन कौन सा है? 1, 2, 3, 4 सेम कंक्लूजन। अब समझो बात को, मोस्ट ऑफ अस बिलीव दैट, ज्यादातर हम बंदे बिलीव करते हैं, When we are making decision about money, जब हम अपना decision money के related बनाते होते हैं, we are being clear-headed, हमें clear-headed और sensible रहना चाहिए, and assume that होते हैं, and any rational person would dash in the same way, मतलब answer in the same way, economical, financial ideas in the same way, ना behave in the same way, and make the same decision, but our dash are based on the private logic, but our R आ गया, ग्रामर रूल आर। अब यहां पर क्या आएगा? प्लूरल चॉइसेस या आइडियाज, अवर आइडियाज आर बेस्ड ऑन द प्राइवेट लॉजिक, अवर चॉइसेस आर बेस्ड ऑन द, चलो आगे बढ़ते, एंड ऑन माइंडसेट अबाउट मनी, माइंडसेट क्या हुआ रिलेटेड आ गया हमारे पास फाइनेंशियल। अब आइडियाज आएगा कि चॉइसेस आएगा, इसमें देखिए आइडिया का मतलब क्या होता है, आइडिया मतलब जरूरी नहीं है कि सामने वाले बंदे को पसंद आए या ना आए। Our choices are always based on the private. मेरी choice अलग है, उनकी choice अलग है, तो answer क्या आएगा हमारा? Choices.
ठीक है ना। तो ये था आपका रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स। आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो, कुछ आइडियाज़ जनरेट हुए होंगे। बहुत सारी और भी वीडियोस हैं, उनको चेक करिए। इसके अंदर ग्रामर रूल्स को एक्सप्लेन कर दिया। चाहे ग्रामर रूल्स हमारे इतने ज़्यादा यूज़ नहीं हुए हैं, लेकिन आप अगर इन ग्रामर रूल्स को अच्छे से रट लेते हैं, काफ़ी सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और स्ट्रगल कर रहे हो, वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे से कोचिंग भी ले सकते हो। पूरे वर्ल्ड वाइड में कोचिंग देते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तीनों लैंग्वेज में। तो आप क्यों स्ट्रगल कर रहे हो? कॉल अस नाउ। बेस्ट ऑफ लक।